ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको दैनिक महाभाग्यशाली राशियां बताने जा रहे हैं। 12 सितंबर 2018 बुधवार का दिन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन हरतालिका तीज का महापर्व रहेगा। सभी माताएं बहनें महिलाएं और भक्तजन हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन सभी को इस दिन करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। कन्या राशि में चंद्रमा दोपहर 4:12 तक, उसके बाद तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। यदि हम दिशाशूल की बात करें तो उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेंगे। इस दिन धनिया खा करके उत्तर दिशा की यात्रा करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, वहीं दोपहर बाद चंद्रमा तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह मकर राशि में, बुध सिंह राशि में, गुरु तुला राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु और राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के हिसाब से देखे जाए तो वृषभ कर्क वृश्चिक मकर कुंभ और मीन इन 6 राशियों के ऊपर खुद भोलेनाथ और माता पार्वती करेंगे प्यार और पैसों की झमाझम बरसात। ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इन 6 राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इन 6 राशि वालों को नई सौगात मिलने का उत्तम योग बना हुआ है। ये 6 राशियां जो है सबसे ज्यादा महाभाग्यशाली रहने वाली है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।